दोस्तों हमारी सभी वीडियोस में बहुत सारे आप स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि वैस कैसे करवाएं, वैस कराने का प्रोसेस क्या है, वैस किस तरह से कराया जाए, वैस के लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लगातार हमसे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर क्या हम वैस आपके द्वारा करा सकते हैं, क्या आप उसमें हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। दोस्तों वैस कराने के वैसे तरीके कई सारे हैं, मतलब कि आप कैसे डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स को वैस के लिए आप पोस्ट करवाएंगे यूनिवर्सिटी से, और भी कई सारी चीज़ें हैं। आज उन्हीं चीज़ों के बताऊंगा कि आपको कोई किस तरह की प्रॉब्लम ना हो वैस करवाने में, और क्या क्या उसके तरीके होंगे, या किस तरह से आप उसमें हमारी भी मदद ले सकते हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों वैस एक ऐसा टॉपिक है, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स ने डिग्री ली है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहां अब उनके लिए जाना पॉसिबल नहीं है, या दूर दराज में रहते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज मतलब कि वैस वो कैसे कराएंगे। कनाडा जाना चाहते हैं या अपने वैस को कराने के लिए यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्ट सही तरीके से वैस को भेज दे या पोस्ट सही तरह से निकल जाए, बट ऐसा होता नहीं है। दोस्तों है क्या चीज वैस कराने के लिए, पहले कुछ बातें जो बुनियादी बातें हैं पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो यूनिवर्सिटी यूजीसी की लिस्ट पर पैनल्ड हो, मतलब लिखा हो वहां पर उसका नाम यूजीसी की लिस्ट पर हो। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में वीडियो बनाई है, आप अगर उन वीडियोज को भी देखेंगे जो यूजीसी पर हमने बनाई थी, आपको इजीली पता चल जाएगा। आप यूजीसी की साइट पर जाइए, चेक कीजिए आपकी यूनिवर्सिटी का नाम अगर यूजीसी की साइट पर है, तो मतलब आप वैस करा सकते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी कम से कम रिकॉग्नाइज्ड है। वैस करेगा नहीं करेगा वो एक सेकेंडरी चीज है। आपको वैस कराने के लिए सबसे पहले होनी चाहिए डिग्री, मतलब ओरिजिनल डिग्री का आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपने कोर्स कंप्लीट किया किसी भी यूनिवर्सिटी से, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल हो चुके हैं, बट अभी तक आपने वहां से डिग्री नहीं ली है, तो सबसे पहले आप डिग्री निकलवाइए। डिग्री नहीं निकलती है, प्रॉब्लम आती है, आप हमें कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी उसमें भी मदद कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो या फिर साथ में ही वैस की हम बात करें, क्योंकि आप अगर वैस करवा रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्ट का पोस्ट होना जरूरी है यूनिवर्सिटी के पोस्टल कोड से, मतलब यूनिवर्सिटी के एड्रेस से, यूनिवर्सिटी जहां स्थित है वहीं के पोस्टल कोड से ही उसका निकलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप घर आए और घर से पोस्ट कर दें, तो शायद एक बार के लिए वैस उसमें कोई ना कोई आपकी कमी निकाल सकता है। वहीं पर जरूरत पड़ती है आपको एक कंसल्टेंट की, या जरूरत पड़ती है किसी भी एक एजेंट की, या फिर किसी भी ऐसी सपोर्टिंग हैंड की जो ये सारे आपके काम कर सके। मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, या मान लीजिए यूनिवर्सिटी है हिमाचल में, अब आप रहते हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, या दूर कहीं नॉर्थ ईस्ट में आप रहते हैं, तो आप आएंगे कैसे? आने जाने में आपका काफी पैसा खर्च हो जाएगा, उसी के लिए आप चाहें तो हमारी मदद भी ले सकते हैं, या चाहें तो किसी से भी जो भी आपका जानकार हो आप उसको कहेंगे तो वैस कराने में आपकी वो मदद जरूर करेगा। दोस्तों है क्या चीज, वैस के दो ही मेन प्रोसेस हैं। पहला, आप उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे वैस की साइट पर जाकर, वहां पेमेंट सबमिट करेंगे अपनी, उसके बाद सेकंड प्रोसेस शुरू होता है जो है यूनिवर्सिटी का। सेकंड प्रोसेस में ही मेन आपको प्रॉब्लम आती है, जब यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लेनी है, ट्रांसक्रिप्ट निकलवानी है, या फिर आपको LOR लेनी है, वही प्रॉब्लम आएगी। तो उन चीजों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस यूनिवर्सिटी आपके रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, यूजीसी की लिस्ट पे होनी चाहिए, और वैस उसको मान्यता देता हो, मतलब वैस उसके लिए अप्रूवल देता हो। आप वैस करेंगे, आपके ट्रांसक्रिप्ट इजिली वहां पहुंच जाएगी और आपको अप्रूवल मिल जाएगा। जो भी कोई डिटेल में डाउट्स हैं, जो भी कोई डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं वैस के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ताकि हम उस पर डिटेल वीडियो बनाएं या कोशिश करें आपके सवालों का जवाब देने की, ताकि आप इजीली अपनी डिग्री निकलवाना चाहे, LOR निकलवाना चाहे, या ट्रांसक्रिप्ट लेना चाहे, या वैस कराना चाहे, उन सब में आपकी हम किसी ना किसी तरह से मदद जरूर कर सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले, और आपको बता सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में, ताकि वो भी अपने आप को अपडेट रख सकें एजुकेशन के अपडेट्स के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।